मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर लेकर के आया हूं। आपको जान करके दुख होगा, लेकिन आपको सहन करना होगा। कल रात 8 बजे, घबराइए मत, कुछ बदलने वाला नहीं है। कल रात 8 बजे मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मेरा वीडियो मिला। मैं हैरान हूं भाई, ये कहां से आया, हमें नहीं पता है भैया। मेरा नाम श्याम रंगीला है और अभी वीडियो मेरा वायरल हो रहा है लाफ्टर चैलेंज का। मैं लाफ्टर चैलेंज में गया था, ऑडिशन देके नहीं गया था। मेरे पास फ़ोन आया था प्रोडक्शन से कि आप मिमिक्री करते हैं तो आप लाफ्टर चैलेंज में आना चाहेंगे। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। तो 2-3 महीने के बाद मैं गया वहाँ पे और टॉप 50 लोग उन्होंने सेलेक्ट कर रखे थे, तो हमारा शूट हुआ। मैंने मिमिक्री की, जो मैंने तैयारी कर रखी थी वो शो मैंने किया। उसके बाद 1 महीने का गैप था हमारे पास कि अगले एपिसोड के लिए हम जो हमारी स्क्रिप्ट है वो बनाएं और तैयारी करें। तो 25 दिन तक मैंने लगभग 2 स्क्रिप्टें मेरी बना ली थी जो मिमिक्री की मैं करने वाला था। तो हमारे शूट में टाइम बचा था लगभग 5-6 दिन का। तब मुझे पता चला कि मेरी दो स्क्रिप्टें जो बनाई है वो रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि टीवी पे करना नहीं है आगे मोदी। तो मैंने कहा ठीक है, अब दूसरी तैयार करते हैं, स्टैंड अप तैयार करते हैं। तो वो स्टैंड अप में मैं 2 दिन लगाए कि क्या बोलेंगे, क्या करना है, अब शो में आए हैं। तो फिर मुझे 2 दिन बाद पता चलता है, जो हमारे एक निर्माता थे वो बताते हैं कि भाई आपका जो है 25 दिन पहले शूट हुआ वो भी अब हट गया है, नहीं करना है। तो मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने कहा कि यार अब ठीक है, अब शो में आए हैं और अब तक दिखाया भी नहीं है कुछ टीवी पे कि ऑडिशन में आए हैं कोई। और हमारे गांव में पूरे हो गई है कि भाई श्याम रंगीला आ रहा है, टीवी में आएगा, स्टार प्लस पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैं शो एक दिमाग में आया कि यार छोड़ देते हैं शो को, लेकिन फिर कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि यार घर वाले परेशान होंगे, लोग कुछ कितने दिनों तक सवाल जवाब करेंगे डैडी से, मम्मी से कि भाई आपका लड़का गया था या नहीं टीवी में। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब शो में आए हैं, लाफ्टर चैलेंज में आए हैं तो करेंगे। तो फिर मैंने उसके रिप्लेसमेंट में एक वीडियो जो था वो जो वो रिकॉर्ड करने वाले थे वो तैयार किया 2 दिन में और वो शूट हुआ दोबारा। तो जब वो टेलीकास्ट हुआ उससे पहले मुझे बोला गया कि आप मोदी नहीं कर सकते, आप राहुल कर सकते हैं। तो फिर हमने 4-5 दिन तक राहुल की तैयारी करी। मैंने कहा ठीक है, राहुल हो रहा है, कहीं ना कहीं डूबते को तिनके का सहारा मिला तो सही। तो बाद में जब वो 8 तारीख को हमारा 11 का शूट था, जो 11 का शूट था उससे पहले 8 को मेरा 30 को टेलीकास्ट होना था, लेकिन वो रुक गया था। तो 8 को टेलीकास्ट हुआ, सबको मैंने बोला कि देखो भैया अपना 8 को आ रहा है, टॉप 15 में हम सिलेक्ट हैं तो अच्छा आएगा वीडियो, और सब लोग देखना वेट कर रहे थे लगभग 8-9 दिन से लोग। तो सबको बोला मैंने, गांव में सब फैला दी कि भाई आ रहा है वीडियो, आ रहा है वीडियो, आ रहा है, शाम आएगा, आज टीवी पे आएगा। लोग बैठ गए देखने, शाम कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला। अब मुझे उस टाइम बहुत दुख हुआ जब मैं टीवी देख रहा था कि एक बंदे को आमंत्रित किया गया है शो में और उसका चलना था कितना, लेकिन वो 3 मिनट का रिकॉर्ड भी हुआ लेकिन वो 40 सेकंड का चला। तो फिर मैं कहीं ना कहीं दुखी हुआ उस चीज़ से। मैंने सबको कहा कि देखो मुझे या तो शो से आप बाहर कर दीजिए या फिर मुझे रखना है तो ढंग से रखिए, ये क्या दिखा रहे हैं आपकी, स्टैंड अप भी कर रहा हूँ तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे ऑडिशन से बाहर निकल गया हूँ। तो फिर कहा गया नहीं भाई आगे अच्छा होगा, आगे अच्छा करेंगे। मैंने कहा देखो मेरे पास टाइम है 3 दिन का, क्योंकि आपने राहुल गांधी करवाई वो स्क्रिप्ट तैयार है। तो तब वो बोले कि भाई राहुल की भी नहीं करनी है। मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हैं आप, भाई आप सब कैंसिल करवा रहे हैं, राहुल की भी आपने कैंसिल करवाई है। तो मेरे पास अभी 2 दिन है, एक दिन टेक्निकल रिहर्सल का है 10 तारीख को और 11 को शूट है, तो मेरे पास 2 दिन है। मैं 2 दिन में एक नॉर्मल स्क्रिप्ट और एक डेंजर जोन की स्क्रिप्ट कैसे तैयार करूँगा। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं से वो मदद मिली राइटर्स से, और मैंने वो हमारे राजस्थान के ऊपर जो था वो पहले एपिसोड में किया, और दूसरा एपिसोड फिर मैं डेंजर जोन में गया। और जो मेरी तैयारी थी वो 1 दिन की थी, 1 दिन में रिहर्सल हुई, 1 दिन में स्क्रिप्ट याद की, और बाकी सब लोगों की जो थी वो 1-1 महीने से तैयार थी। तो फिर जब डेंजर जोन आया तो फिर डेंजर जोन में मैंने वही स्क्रिप्ट बोली जो राहुल गांधी के लिए मैंने तैयार की थी, उसकी जो मिमिक्री करनी थी मुझे, लेकिन वो फिर मैंने नॉर्मल मेरी वॉइस में बोली क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था। और वो अच्छी गई, अक्षय जी को पसंद आई, सबको पसंद आई। और वो करने के बाद में मुझे कहीं ना कहीं पता था कि भाई एलिमिनेट तो अब होने वाले हैं। तो एलिमिनेट होने के बाद भी मैं बहुत खुश था। मैंने कहा ठीक है भाई अब एलिमिनेट हो गए, लेकिन हम इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, जो हमें बुलाया था इन्होंने और क्या हो गया अपने साथ। तो ऐसा कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी था, लेकिन मैं वैसे भी मैंने कहा यार अब ठीक है, इसको भूल जाते हैं और अब नया कुछ काम करेंगे, इसको भूल जाते हैं।
तो फिर मैं वहाँ से आया। अब मेरा टेलीकास्ट हुआ 21-22 के बाद, फिर कहीं ना कहीं से वो अभी वो मिमिक्री का जो ऑडिशन में मैंने वीडियो किया था वो वायरल हो गया। अब वो वायरल हो गया तो फिर मेरे पे कहीं ना कहीं उंगली उठी, क्योंकि मुझे जहाँ से मिला था तो मैंने खट से मेरा वीडियो देखते ही मैं तो बहुत खुश हुआ, मैंने अपने फेसबुक पे डाल दिया, तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं से देखा। फिर मुझे लगातार फ़ोन आए उनके कि भैया आपको कहाँ से मिला। जैसे मैंने मिला, मैंने बताया कि मेरे को भैया ऐसे ऐसे मिला है, तो फ़ोन आते गए। फिर मैंने उनको बताया कि देखो अब मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी मुझे 1.5-2 महीने परेशान किया है और मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं मेंटली भी परेशान हो रहा हूँ। तो उनको मैंने बोला है, तो अभी तक तो तब से ठीक है, अभी मतलब जो हो रहा है वो चल रहा है कि वायरल हुआ है, न्यूज़ में आ रहा है। तो बाद में उन्होंने बोला कि मैंने उनको बोला कि यार आपने मुझे परेशान किया था, निकाल दिया आपने ऐसे कि आमंत्रित किया और ऐसे निकाल दिया जैसे मैं ऑडिशन दे के आया हूँ और फिर मैं एकदम से कुछ कर नहीं पाया और निकल गया। बोले नहीं, आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकले थे कि परफॉर्मेंस आपकी कमज़ोर थी। तो मैंने कहा भाई आपकी परफॉर्मेंस लोग तैयारी जो कर रहे थे वो एक एक महीने से कर रहे थे, मेरे को कहाँ 2 दिन में तैयारी थोड़ी करता हूँ। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि भाई लोगों की नज़र जितने उन्होंने देखा उनको ये लगा कि भाई ये इतना काबिलियत बंदा नहीं है कि ये पहले में ही निकल गया है, तो मतलब ये इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन ये बात बहुत गलत थी, तो ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ ज़िंदगी में, बस मुझे और परेशान न किया जाए।